जीवन धारण करो। यही पवित्र एवं सर्वोत्तम उपनिषद छंदज्ञ प्रत्येक छंद प्रत्येक संगीत मनुष्य को एक उत्तरण दिगरे आरोहण कराए, तार प्राण शक्ति तार बाक शक्ति परमंक सहित संजोग कराए, मन हृदय को मिलन कराए। या सहित मनुष्यर जीवनर भूमि को परमंक सहित संजोग कराए, तक पवित्र कराए। तेणु ए उपनिषदर प्रारंभ रे जो शांति मंत्र उच्चारित होता है, शांति मंत्र यही तनु मन समस्त अवयव को परमंक सहित संजोग कराए, शक्तिशाली कराए, बलशाली कराए, जहाद्वारा सी परम को धारण करने को परिप्रकाश करने को सक्षम हुए। तेणु प्रथम रे उपनिषद अध्ययन एक शांति मंत्र रु होते, शांति मंत्र आम बारंबार उच्चारण करू आज मध्य से शांति मंत्र रु आज उपनिषद आरंभ करिबा। ओम अपायन्तु ममंगानि बक प्राण चक्षु सत्र मथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्मा निराकुर्यं मं मं ब्रह्मा निराकरदो निराकरणं सो निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेयो उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शांति शांति शांति। हे परम प्रभु, हे ओंकार, अप्पायन्तु ममंगानि मोर अंगानि मोर समस्त अंग पतंग को, अर्थात बाक प्राण चक्षु तत्र मथो मोर बाक को मोर प्राण को चक्षु को कर्ण को या सहित समस्त अंग प्रत्यंग को तुम्हें वर्धित करिबा सहित ताकु बलशाली कराओ, ताकु शक्तिशाली कराओ। समस्त अंग प्रत्यंगर रेणु परमाणु को प्रत्येक रेणु को तुम्हें से परमंक शक्ति सहित संजोग कराई ताकु बलशाली कराओ। कारण एमाने जदि दुर्बल हेबे, एमाने जदि शक्तिशाली न हेबे, तुम शक्ति रे शक्तिशाली न हेबे, तुमको बुझी पारिबे नाही, तुमको परिप्रकाश करि पारिबे नाही। कारण सेमाने सीमित, सेमाने दुर्बल, ए अज्ञान द्वारा अशक्ति द्वारा सेमाने दुर्बल हेई पड़िछंती, तांको तुमरी शक्ति द्वारा ताको सबल हबाको पड़िबो, शक्तिशाली हबाको हबो, नहले ते तुमको प्रकाश करि पारिबो नाही। सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्मा निराकुर्यं मं मं ब्रह्मा निराकरोदो निराकरणं मोचतु। सबु किछि ब्रह्म, अहं ब्रह्म, सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं मु मध्य समस्त ब्रह्म उपनिषद। उपनिषद जे ब्रह्मंक कथा कहिछि, मुझेपरी माँ अहं निराकुर्यां मुझेपरी तांकठारु दूरे न जाए, मुझे उपनिषदर समस्त कथा को यदि मो भीतर दे प्रकाश करी पारिबे,
माहं ब्रह्म निराकुरिजं मा ब्रह्म निराकरदो निराकरणं निराकरणं मस्तु। यपरि ब्रह्म मोठारु अंतरित हो न जातु मुझेपरी ब्रह्मं पाखु अलग ही न जाए। ब्रह्म आउ मु सदा सर्वदा एकाठी रही एकाठी मिलन हो पारु तेर मोर समस्त तदात्मनि निरते यो उपनिषद सुधर्मा धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। तेर मोर समस्त अध्ययन केवल से ब्रह्मक अभिव्यक्ति पाई तदात्मनि निरते उपनिषत्सु मुझेपरी निरत प्रत्येक समय रे से उपनिषद्र कथा को नहीं जेपरी अध्ययन करी पारे उपनिषद्र समस्त गुण मो भीतर प्रकाश हो पारे जेपरी मु आहुरी आहुरी शक्तिशाली हे मु तांको अध्ययन करी पारे हेतिपाई मो भीतर समस्त गुण को तुमे ब्रह्म गुण को समय प्रकाश कर शक्तिशाली कर एवं अति भौतिक शांति अति दैविक शांति एवं आध्यात्मिक शांति प्रतिष्ठा कर। भगवान को पाख को जो भगवान को पाखरे जो प्रार्थना निरत आमे करी थाओ जपरी अधिकांश प्रार्थना जो दुर्बल प्रार्थना एटी होची से सबल प्रार्थना से परमंकर अंश परमता भीतर प्रकाशित होगा चाहती से सी परम को प्रार्थना करुच्ची जीव ये सीमित हो जाए दुर्बल हो जा तुम शक्ति द्वारा तुम आशीर्वाद द्वारा ये शक्तिशाली हम सबल हो उठब से जी दुर्बल द्वारा केवे तुम्हें प्रकाश हो पारना कारण मु प्रति निरत मु तुम भितर बचा को चाहे एथिपाई तुम्हें मोठारु मुख फेराई नियो नाही आ मु जेपरी तुमठारु केबे भी मुख फेराई न निए सेथिपाई मते शक्तिशाली करा तुम्हें मते ग्रहण कर। यही प्रार्थना होची गोटे शक्तिशाली प्रार्थना निजे शक्ति प्राप्त पाइबा शक्तिशाली हवापाई परमंग शक्ति रे शक्तिशाली हवापाई से साधक से परम को प्रार्थना करउछंती। ये प्रार्थनाटी गोटे कलेक्टिव प्रार्थना कारण ये शक्ति केमिति प्राप्त हबो ना ज्ञान रु प्राप्त हबो मनुष्य जेतेबेले उपनिषद को बुझिबो ब्रह्म को बुझिबो एवं ब्रह्म को बुझिबा द्वारा ब्रह्म को आराधना करिबो ब्रह्म को आराधना करी ब्रह्म को शक्ति रे शक्तिशाली ही ब्रह्म को परिप्रकाश करिवा पाए प्रतिनिज नियत निजक समर्पित करिवो सेति पाए ए उपनिषद गोटे परम ज्ञान पाए से परम को आह्वान करे परम को आशीर्वाद लाभ करे कहीं आम उपनिषद पढ़ीचु नायमात्मा बलहीन लभ्य बलहीन माने से परम को लाभ करिपारिबे नाही नो मेधया मेधा द्वारा मध्य लाभ करिहब नाही नो प्रवचनेन लभ्य तुम्हें ता विषय आलोचना करि तार वाक्य सुनिकि मध्य तुम्हें लाभ करिपारिबो नाही तो परम निज भितरे अछन्ति ताको आह्वान करि ताको उपासना करि ताको प्रार्थना करि तांको शक्ति रे शक्तिशाली है तांको ज्ञान रे आलोकित तांको आलोकित ज्ञान रे निजर ज्ञान को आलोकित करी तांकरी माध्यम रे तांको प्रकाश करिबा संभव हबो। आमर जो सीमित ज्ञान और सीमित शक्ति द्वारा तांको प्रकाशित करी हबो नाय सेति पई बल पई शक्ति पई ज्ञान पई परम को प्रार्थना करबा को पड़े एवं तांकरी आशीर्वाद बलरे
प्रत्येक अंग ये कर्ण बाघ चक्षु स्तोत्र एमाने बलशाली हेबे एवं प्रतिनियत अध्ययन करिवे एवं उपासना करिवे एवं ता द्वारा सेमाने प्रकाशित हेबे एवं परम ज्ञान लाभ करिहेबो। आमे छांदोग्य उपनिषद्र दुईटा मंत्र गत थर अध्ययन करिथिलु। प्रथम मंत्र आम अध्ययन करिथिले ओम उपरे एटा आलोचना हेछि ओम इत्येदक्षरम उद्गित उपासितम ओम इति उद्गायति तस्य उपव्याख्यानम तस्य उपव्याख्यानम। यही ओम जाकु श्रीरविंद विभिन्न जगह कही ओम इज दि सिग्नेचर ऑफ दि गॉड ब्रह्मन परमंकर एक पृथ्वीपृष्ठर परमंकर अभिव्यक्ति एक स्वाक्षर नचिकेता को जम अति सुंदर भाव ओम संबंध में वर्णना करुछंती जे ओम हो श्रेष्ठ अवलंबनम एतत् अवलंबनम श्रेष्ठम एतत् अवलंबनम परम एतत् अवलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोक महीयते। यही ओम को जे श्रेष्ठ अवलंबन बोली जाने से ही ब्रह्मलोक करे महियान हम आ ओम होची एक अक्षरम से शाश्वत से चिरंतन से शाश्वत व चिरंतन परम सत् कुश बहन करी चले तेणु से दृष्टि ओम होची भगवान का एक क्षुद्र एवं बृहत परिप्रकाश ए विश्व रे तेणु जी ओम को उपासना करे से ब्रह्म को ही उपासना करे तेम ओम इज दि क्लोजेस्ट साइन ऑफ दि ब्रह्मन से उपनिषद सुंदर भाव वर्णना कर ओम इत्येत अक्षरम उद्गित उपासितम ओम हो उद्गित सेठ सबु किछि उद्गम होइछि तेणु तांकु गीत गीत माने गान करिबाकु पड़िबो उद्गीत माने उच्च स्वर रे गान करिबाकु पड़िबो। ए उच्च स्वर गान करिबा द्वारा गोटे उपोषितम तांकु उपासना करा जाए ब्रह्मं को जो उपासना करा जाए ओम नामक एक शाश्वत अक्षरम द्वारा ओम नामक एक शाश्वत अक्षर को ऊर्ध्वस्वर रे उच्चारण करी ताकु उपासना करा जाए दिपाई से कहउचंती तुमे ब्रह्मं को उपासना करुच कर तत् उपासितम तत् अक्षरम उपासितम उद्गीतम ओम नामक मंत्र द्वारा तुमे उच्च स्वर रे उच्चारण कर ओम ओम इति हृद्गायति तस्यप्य व्याख्यानम तुम्हें जब यही ओम को किपरि भाव किमिति बसिबो किपरि भाव ताकु उपासना करिबो तस्य उपव्याख्यानम ताकु व्याख्या करा जाउछि अर्थात एठी ऋषि छांदोग्य ऋषि एठी सुंदर भाव वर्णना करुछंती ए जो शाश्वत अक्षर जे कि परमंक सहित संपर्कित एवं निजे परम भाव अभी परम अक्षर रूप प्रकाशित होती तांकु किपरि तुम उपासना करिबो तांकु किपरि उच्चारण करिबो एवं काईके उच्चारण करिबो से संपर्क रे एठी ऋषि आमको सूचना देउचंती गोटे शिक्षा प्रदान करुछंती तेरे ओम रे एक इम्पोर्टेन्स एटी वर्णना है ए
एषां भूतानां पृथिवीरस पृथिव्या आपो रस आपो मौषधयो रस औषधीनां पुरुषो रस पुरुषस्य वाग्रस वाच रुग्रस रुच सामरस सामन उद्गीत रस मूल उत्स सहित संपर्क रे वर्णना करुछन्ति। एषां भूतानां एई जो जीव जगत एई जो सूक्ष्म एवं स्थूल जगत द्वारा ए पृथ्वी परिपूर्ण होइछि ए विश्व परिपूर्ण होइछि यार मूल उत्स किए यार मूल उत्स होउछि पृथ्वी पृथ्वी बीज पृथ्वी होउछि मूल बीज ए जगतर पृथ्वी शब्दर पृथ्वी आसछि पृथ्वी माने मांस पृथुल तेणु ये जो रूपगत जगत सब जन्म होइछि ए रूपगत जगतर रूपमाला मान आम कह सूक्ष्म रूप एवं स्थूल रूप ये समस्त भूतानां मूल रस हूँ पृथ्वी बीज पृथ्वी हूँ तार मूल रस से माने उत्पत्ति तेणु मेदिनी बोली बोली मेद रु शब्द मेदिनी बोली बोली कहा जाए सी धरणी सी समस्त धारण कर तेणु सी हूँ मूल रस हूँ जीव जगतर पुणी पृथ्वीर रस किए मूल उत्स किए ना आप रस पृथिव्यांग ए पृथ्वीर मूल रस हूँ आप जल जल ही पृथ्वी को जन्म देमी रूप को पृथ्वी जन्म दे पृथ्वी को पृथ्वी भितर मूल बीज रूप से थे सी हूँ आप से ही से आपो शक्ति ही ए पृथ्वी को जन्म दे सी तार मूल रस आपो मो औषधय रस आपो भितरे लुकायित तो होगी बीज रूप से थे किए ना ये औषधय अर्थात ये गुलम गच्छलता एम समस्ते बीज रूप से थे तेणु रस तार मूल बीज आपर जो मूल बीज औषधय से प्रकाशित हेले एवं ए औषधीना पुरुषौ रस एई मूल एई जो गच्छ लता औषधी वृक्ष सब रही तार रस तार मूल उत्स होती मनीष पुरुष ह्यूमन बीइंग कारण या भीते मनीषटे से वृक्ष भितर ही बंची वृक्ष नथिले से बंची पारिब नाही से गुलम नथिले से ताको खाए एवं से ही मूल आम भितर रही आम भितर शक्ति संचार करे से ही आम जीवनी शक्ति प्राण शक्ति रूप से सबकि जेहेतु ता भितर से बंचिकी थिले मूल पुरुष बा मनीषटे एवं सीए ताकु ही आश्रय करी रहे एवं वृक्ष मध्य से मनुष्य को आश्रय करी रहे एवं मनुष्यस्य पुरुषस्य बाग्रसः जो पुरुष बा मनुष्य तार मूल उत्स होचे ना बाक बाक नथिले से निजको परिप्रकाश करी पारिब नाही निजर स्थिति को जाहिर करी परिबने बाक ही तार मूल परिप्रकाशर मंत्र बाच रुग रस ए बाक आसिला कुआडु ना बाक्र मूल उत्स होती रुक रुक्र जो रुक वेदर जो रुचा जो मंत्र से उत्पत्ति होती बाक पुणी ए रुचा रुग वेदर से मंत्र आसिला कुआडु तार मूल उत्स किए ना साम रस जो साम संगीत साम वेदर समस्त मंत्र रु से आसी तेणु साम मंत्र से रुग भेद भितर लुकायित बीज रूप से
ସାମ୍ନ ଉଦ୍ଗୀତ ଅରସହ। ଏଇ ସାମ୍ ପୁଣି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ନା ଉଦ୍ଗୀତ ରସ, ସେଇ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିର ଉଦ୍ଗାୟନରୁ ସେଥିରୁ ସେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଭୂତାନାଂର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଓମ୍। ସେଇ ଓମ୍ରୁ ଆସିଛି ସାମ ମନ୍ତ୍ର, ସାମ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମ ଗାୟନ, ସାମ ଛନ୍ଦ। ସାମରୁ ଆସିଛି ରୁକ୍, ରୁକ୍ରୁ ଆସିଛି ପୁରୁଷ ବାକ୍, ବାକ୍ରୁ ଆସିଛି ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆସିଛି ଆପ, ଆପରୁ ଆସିଛି ପୃଥିବ୍ୟାଂ, ପୃଥିବୀରୁ ଆସିଛି ଏଇ ହେଉଛି ଏଇ ଭୂତାନ। ତେଣୁ ଇଏ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏ ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ପରମଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିଛି ଏ ବିଶ୍ୱରେ, ସିଏ ଓଂ ରୂପରେ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏଠି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ବହୁ ରୂପରେ ସାମ ରୂପରେ, ସାମ ରୁଗ୍ ରୂପରେ, ପୁରୁଷ ରୂପରେ, ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ, ଜଳ ରୂପରେ, ସବୁ ରୂପରେ, ବାୟୁ ରୂପରେ, ସବୁ ରୂପରେ ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଜି ଆଉ ତିନୋଟି ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଏଷ ରସାନାଂ ରସତମ ପରମ ପରାର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟମ ଯଦୁଦ୍ଗୀତ ଯଦୁଦ୍ଗୀତ ୟତ୍ ଉଦ୍ଗୀତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଗୀତ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ସ୍ୱର, ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳ ଉତ୍ସ ସେ ହେଉଛି ମୂଳ ବାକ୍ ସେଇ ଓମ୍। ଏଷ ରସାନାଂ ରସତମ, ସେ ଯେତେ ରସ କଥା କହିଲେ, ଯେ ଆଠଟି ରସ କଥା କହିଲେ, ଅଷ୍ଟରସ, ସେ ଅଷ୍ଟରସ ହେଉଛି କିଏ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଯେଟା ପୃଥିବୀ, ଆପ, ଔଷଧୟ, ପୁରୁଷ, ବାକ୍, ରୁଗ୍ ଏବଂ ସାମ ଆଉ ଉଦ୍ଗୀତ। ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ମୂଳ ରସ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଏସ, ସେଇ ଓମ୍, ସେଇ ଉଦ୍ଗୀତ ଓମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ, ସେ ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଆଉ ସେ ହେଉଛି ପରମ ରସ, ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ କହିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଉପାସନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଉଦ୍ଗୀତକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରି। ତେଣୁ ଏଇ ଛନ୍ଦକ ଉପନିଷଦକ କେମିତି ଗାନ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଗତ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ତ ମିଶିଯାଇଛି, ରୁକ୍ ବି ମିଶିଯାଇଛି, ବାକ୍ ବି ମିଶିଯାଇଛି, ଓମ୍ ବି ମିଶିଯାଇଛି, ପୁରୁଷ, ଔଷଧୟ, ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ ରୁକ୍, କିଏ ବାକ୍, କିଏ ସାମ, କିଏ ଉଦ୍ଗୀତ, ୟାକୁ ଚିହ୍ନିବା କିପରି, ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କତବା କତମର୍କ କତମକ୍ତ କତମ ଶ୍ୟାମ କତମ କତମ ଉଦ୍ଗୀତ ଇତି ବିସୃଷ୍ଟଂ ଭବତି। କତମା କତମା ରୁକ୍, କତମା କତମା ରୁକ୍, କେଉଁ କେଉଁଟା ରୁକ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଜୀବନ ଦେଖୁଛେ, ଏଇସବୁ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ୟା ଭିତରେ ତୁମେ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି କହୁଛ ଏଇଟା ରୁକ୍। ଏଇ ଯେ ଅଷ୍ଟରସ କଥା ଆଲୋଚନା କଲ, ଏଇ ଅଷ୍ଟରସ ଭିତରେ ରୁକ୍ କେଉଁଟା କେଉଁଟା, କତମା କତମା ଅର୍କ ରୁକ୍, କତମା କତମ ଶ୍ୟାମ କିଏ କିଏ ଶ୍ୟାମ, କେଉଁଟା କେଉଁଟା ଶ୍ୟାମ, କତମ କତମ ଉଦ୍ଗୀତ ଏଇ ଓମ୍ କିଏ କିଏ, ଏ ଉଦ୍ଗୀତ ବିସୃଷ୍ଟମ୍ ଭବତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ବିସୃଷ୍ଟମ୍ ଭବତି ଇତି ବିସୃଷ୍ଟମ୍ ଭବତି
इति जे विमृष्टं भवति तो एटा जी प्रश्न तेणु एटी आमको गुटी गुटी करी चिन्हिबा को पड़िबो एवं प्रत्येक को अभिव्यक्त करिबा को पड़िबो सेतिपाई एक अलगा चक्षु अलगा ज्ञान अलगा बुद्धि से परम बुद्धि परम ज्ञान परम चक्षु द्वारा आम गोट गोट को चिन्हवा से प्रश्न करिष्य मैने तार उत्तर सुंदर भाव दौंट पंचम मंत्रे कौटा रुक कौटा साम कौटा उद्गीत एमने सब मूल बीज ए मूल बीज को चिन्हले जाकि ये पंच महाभूत को पुरुष को चिन्ह हे औषध को चिन्ह हे क्या समस्त ता भितर अच्छा मंत्र बीज भितर से प्रत्येक जीव प्रत्येक भूत प्रत्येक रूप एवं अरूप जिते जहाँ ये अभिव्यक्त होती समस्त भितर ये रुक साम एवं उद्गीत रही तेणु ये सबू भितर आमको चिन्हवा को पड़ो किए रुक किए साम आउ किए उद्गीत से प्रश्न हो गोटे गोटी को चिन्हवा बाग्व रुक बाग्वक्रु प्राण साम मित्येदक्षरम उद्गीतम तद्वा एतद् मिथुनं तद्वा च प्राणश्च च साम च बाग रुक बागवे रुक बाघ होची रुक आम जो कथा कहचे बाक ये होची आमर रुक प्राण साम आम भितर जो प्राण शक्ति रही सी होती साम इत्येत अक्षरम उद्गीतम बाक आउ प्राण ये जो उभयर मिलन हो यारी भीतर सृष्टि होती किए ना से उद्गीत से होती मूल ओम उच्चारण हो सी हूँ श्रेष्ठ एवं अक्षरम जे परम श्रद्धार सहित बाक आउ प्राणर संजोग करी पारे से उत्पन्न हुए से रूप ए से उद्गीत आ से उत्पन्न ओंकार से परम शब्द उच्चारित हुए तद्वाम एतम मिथुनम ये मिथुन शब्दी वर्णना कले ये रुक एवं साम ये दीटार उत्पन्न होती जो उद्गीत ए तद्वाम एतद मिथुनम तेणु ये से परिप्रकाश रुक्र परिप्रकाश बाग सामर परिप्रकाश प्राण से तद्वाम एतद् मिथुनम तद्वाच आउ प्राण चक्र साम रचक साम रचक अर्थात ए मिथुन ए बाक आउ प्राण आ रुक एवं साम रचक एवं साम ये दुईज मिथुन अर्थात दुईजर मिलन हुए जड़े जदि पुरुष हे आने स्त्री हे जमी आगर से आम प्रश्न उपनिषद पढ़ीचे जे परिप्रकाश दीटा है परिप्रकाश हेले परम बाक जिते परिप्रकाश परम बाक माने से ओंकार उद्गीत जी जो परिप्रकाश होती दीटा रूप से परिप्रकाश होती दुईज मिलन परिप्रकाश हो जे जिमिति आमे पढ़ी जे चंद्र एवं सूर्य ये उभयर मिलन रे ए जगत उत्पत्ति गोटे हूँ दि रई आ गोटे हूँ प्राण रई हूँ मैटर आ प्राण हूँ सूर्य
तेणु ये प्राण एवं वस्तु ये उभयर मिलन रे एडी सृष्टि रे उत्पत्ति हिजी तेणु तत्वाम एतद मिथुनाम ये प्राण एवं बाक रूक आउ साम ये उभय गोटे मिलन उभयर मिलन द्वारा ये रूक रो उत्पत्ति हिजी यथार्थ भाव मिलन आम शिखिनु आम मिलन करने को शिखिनु जे आम भितर प्रतिनियत जे बाक सहित प्राणर मिलन हुए प्राण शक्ति एवं बाक उभयर मिलन नहले आम बची पारे प्राण हूँ शक्ति आ बाक हूँ परिप्रकाश तो प्राण हूँ पुरुष बाक हूँ फीमेल तेणु जड़े मूलबीज आउ जड़े अभिव्यक्ति ए दीजकर मिलन द्वारा ये सब सबकी संभव हुए तापरे तदे तस्मिन् मिथुनम् तदे तस्मिन् मिथुनम् तदे तस्मि मिथुनम् मित्येत अस्मिन् अक्षरे संसृज्यते यदा वै मिथुनं समागच्छतम् आपयतो वै तावन्य नश्य कामम् एतद् वै मिथुनम् एई जो मिथुन एई जो कॉम्बिनेशन हला कार ना रूक एवं सामर उभयर जो मिलन घटिला बा बाक आउ प्राणर जो मिलन घटिला एई उभयर मिलन रु डुआल कॉम्बिनेशन रु ओम इत्येत अक्षरम संसृज्यते एई ओम नामक अक्षर शाश्वत परम अभिव्यक्ति ओम उत्पत्ति हला संसृज्यते यदा वै मिथुनं समागच्छतं आपयतो तेणु यही जो ओम र मिलन समागच्छत यही जो सब मिथुनम समागच्छत यही जो मिलन हला बाक आउ प्राणर मिलन हला सेतिरु तार संतान रूप से जन्म लाभ कले किए ना ओम जे परम बाक आउ परम प्राण ए उभय को ये ओम रूप से प्रकाशित हेले एवं सेठु सृष्टि हला कौन ना तावत अनस्य कामम अनन्यस्य काम जिते कामना ऑल डिजायर्स सेठु उत्पत्ति हला से उपासना आम जो उपासना करू आस्पृहा करू ये सबू हूँ कामम किंतु कामना हूँ गोटे निम्नगत इच्छा आउ जमी आम आस्पृहा कहू से हूँ परमंक इच्छा तेब समस्त समस्त कामना किंतु से उत्पत्ति आपयतो वै तावन्य अन्यस्य कामम से ही हूँ सेठ ही उत्पत्ति हला के ना कामम ते समस्त कामना से उत्पत्ति एवं कामनारु जन्म हो सब किसी जिते जिते ये सृष्टि देखुचे आम जी कामना न करवा किसी नूतन सृष्टि हम ना तेरे आम भितर जो कामम सृष्टि ये प्राण एवं बाकर मिलन द्वारा हो यार मूल ऊर्जा हूँ ओम ओम नथिले ए प्राण एवं बाकर मिलन हुआ ना सी हूँ मूल बीज सी हूँ एसेंस ऑफ ऑल वाटर्स तेणु ये रस कहला माने जमी आम बाहर वस्तु को देखुचे ताकि रस बाहर करूँ रस हूँ मूल उत्स
क्षीर देखुचे क्षीर भितर जो रस होची घी लवणी तेणु सी हूँ ता भितर अंतर्निहित तो बीज रूप से थाए शक्ति रूप से थाए तेणु ये सी गुट गुट कर वर्णना करुछंती जे ओम किमिति निजे को साम हेले गायन हेले तापरे क्षीरूग हेले एवं से पुणी किमिति पुरुष हेले बाघ हेले सेठु से पुरुष हेले से किमिति औषध हेले पुड़ी आप हेले एवं पृथ्वी हेले ए जो पृथ्वी रे आज पर्यंत से रूख एवं बासाम उभय र छंद रूप रे ओम निज को एठी प्रकाश करुचंती बलि ए छंदज्ञ उपनिषद हमको आम आगे सुंदर भाव एठी वर्णना करिछि तेरे यही कथा को आज वर्णना कले वर्तमान यही कथा सहित विनोद भाई आप आलोचना करते रब्बाई भी आसचंदी रब्बाई भी आलोचना करते रब्बाई सुबह जी आगे प्रथम दीटा मात्र